और सड़कों का तो ईडीबी के द्वारा जो हाल है वो अंजाम सभी को हमारे को ध्यान है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी हमारी रुकी हुई हैं। विकास का पहिया यूं ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, ये ना रुके और ना थमे। इसी आशा से आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ धन्यवाद। आपके बोर्ड के सहयोग से जो आपका कार्यकाल रहा है जिसमें अच्छे काम हुए हैं और उसी के द्वारा ये देखा गया है कि अधिकारियों की भी अच्छी छवि गई है, तो जो मैंने यहाँ पे देखा खासकर जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए होते हैं और जिनको नेता भी कहा जाता है और अधिकारी, इनके बीच में गजब का समन्वय रहा है। किसी प्रकार को लेकर कोई भी आरोप नहीं रहा है। किसी भी पार्षद ने या किसी माननीय मेयर साहब ने कभी भी कोई गलत कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाला, अनुचित कोई अनुचित कार्य करने के लिए किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं हमारे हितों का टकराव नहीं हुआ है, क्योंकि आपके हित भी वही है तो हमारे हित है, हमारा हित है जनता की सेवा करना, आपका भी। बैठक में समारोह में उपस्थित आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय MLA साहब, आदरणीय SNA साहब और सभी पार्षदगण व हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मैं सभी आप लोगों का जो आपने 5 साल हमें सहयोग दिया है बोर्ड चलाने में, बड़ा अच्छा बोर्ड रहा, बड़े अच्छे काम हुए, काफ़ी विकास कार्य हुए, सभी का सभी के मिलजुल कर सभी ने एक सूत्र में बनकर कार्य किए, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम तो इस बोर्ड को हमेशा याद रखते हैं क्योंकि सभी पार्षदों ने एक होकर सौरभ कार्य किया। किसी भी मुद्दे पर हम पहले तो वो अलग चीज़ है, राजनीतिक मुद्दे कोई अपोज करता है, कोई समर्थन में रहता है वो अलग बात है, लेकिन इस सदन के बाहर कभी किसी के बीच कोई बनमुटाव किसी प्रकार का नहीं रहा। एक तो छिटपुट घटनाएं जो है वो अपवाद रही है, उसका कारण भी सभी को पता है, पर ऐसा किसी के भी मन में नहीं है, सभी एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आदरणीय पार्षद दल के नेता प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में जनहित के विकास कार्य कराए। जनहित में इन्होंने जो भी जनहित में हुआ, जो कमियां दिखाई दी मेयर साहब की तरफ से, उसको पूरी कराने में इनका पूरा सहयोग रहा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। ये सुखद विधि है जिसे है नगर वासियों के लिए कि एक साथ मिलकर सब लोग इस कार्यकाल का समापन हुआ है और भविष्य में यहाँ पर कमल खिलेगा